ये बात तो आपको हमने पहले ही बता दी थी कि किस तरीके से सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जो है डेथ थ्रेट दी गई है, और इसके ऊपर फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है और कई सारे लोग जो है प्रेयर्स कर रहे हैं सलमान खान के सपोर्टर्स, फैंस, वेल विशर्स सलमान खान और उनके पिता के वेलबींग के लिए प्रे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच जो है सलमान खान के घर पे जाकर वो थ्रेट लेटर को देख के आई है। अब उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सब में अब तीन लोगों की पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम पालघर के लिए रवाना हो चुकी है। चलिए आपको सलमान खान के इस केस का कुछ अपडेट बताते हैं। इस वीडियो पे आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट दोस्त फिदांगी। करने बता दें आपको कि सलमान खान को थ्रेट देने के लिए विक्रम करके एक पर्सन है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार का काफ़ी क्लोज एड है। सौरभ महाकाल जो है मुंबई में बेस थे, उन्हें यहाँ पे आकर राजस्थान के तीन लोग जो है थ्री सस्पेक्ट्स जो फ़िलहाल उनके ऊपर और इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, सो उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पालघर जो है पुलिस की मुंबई क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 12 है पहुंच चुकी है। ये जो तीनों के तीनों सस्पेक्ट्स हैं जालौर से है फ्रॉम राजस्थान, और उनका सलमान खान को थ्रेट देने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। सो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पालघर जो है टीम पहुंच चुकी है, और जहां पे ये लोग पालघर में रह रहे थे वहां से भी पूछताछ की गई, और पालघर के बाड़ा एरिया में जहां पे एक कंपनी में ये तीनों काम कर रहे थे वहां पे भी उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस ने ढूंढ निकाली। कई सारे सवाल जवाब उनके वहाँ के कोवर्कर्स के साथ, उनके बॉसेस के साथ किया इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। साथ ही साथ बता दें कि क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल जो है वाड़ा और कासा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे गए थे इस थ्रेट लेटर को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पालघर के नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी बड़ा साहब पाटिल, उन्होंने कहा कि एक थॉटफुल ऑपरेशन है क्राइम ब्रांच से, और बाकी के सारे डिटेल्स जो है बाहर नहीं ला सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ऑफकोर्स पुलिस के रिकॉर्ड्स पे है, तो ये बाहर लाना मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने बिल्कुल सही नहीं होगा। और इसके चलते अब थ्री सस्पेक्ट्स जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाड़ा एरिया में काम कर रहे थे उनके ऊपर फिलहाल यू नो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में जाना जा रहा है। जालौर राजस्थान से पालघर कैसे आए और क्या और उनका मकसद है सलमान खान को थ्रेट देने के अंदर, इनका और क्या कुछ हाथ है, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या सलमान खान को मारने की कोई प्लानिंग की गई थी पहले भी, क्या उन्हें अभी भी मारने की प्लानिंग की जा रही है, क्या ये थ्रेट लेटर जो है सिर्फ डराने के लिए दिया गया था या फिर इसके पीछे और कोई बड़ा मकसद है, इन सारी चीज़ों की फ़िलहाल मुंबई पुलिस एंड क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेशन उनका जारी है। और बस सलमान खान की वेलबींग के लिए सभी उनके वेलविशर्स और फैंस सपोर्टर्स प्रे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहना कॉमेंट्स में बताइएगा। आई सी यू सून।